हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीड कैसे छुड़वाएं, उसके तरीकों के बारे में और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जो एक मदर को जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये जो इतना बड़ा चेंज आपके और आपके बच्चे की लाइफ में आने वाला है, ये एक फिजिकल चेंज ही नहीं है बट ये एक बहुत बड़ा इमोशनल चेंज भी है। इसीलिए ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं शेयर करूँगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। If you are an English viewer, then the English version of this topic will be posted on our channel tomorrow. ब्रेस्टफीड छुड़वाने के मेनली दो तरीके हैं, उन दोनों तरीकों को डिटेल में मैं आपको अभी समझाऊंगी, बट उससे पहले मैं कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करने देना चाहती हूँ, कुछ गाइडलाइंस आपको बता देना चाहती हूँ जो हर मदर जो इस प्रोसेस से गुजरने वाली है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारी मॉम्स के साथ, सारी न्यू मॉम्स या गोइंग टू बी मॉम्स के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज एट सम पॉइंट वो ये प्रोसेस अपने बच्चे के साथ करने वाले हैं। सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि कोई सही और कोई गलत तरीका नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़वाया, जब आप किसी भी मदर से पूछोगे तो हर मदर का एक्सपीरियंस जो है वो डिफरेंट होगा। तो हो सकता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊं इसके अलावा भी आपके पास कुछ सजेशंस हो आपके एक्सपीरियंस के बारे में, तो प्लीज़ उसे कॉमेंट ज़रूर करना, बिकॉज एज अ कम्युनिटी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, आई थिंक उतना ही ज़्यादा मदर्स को हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए कोई राइट या रॉन्ग तरीका नहीं है, जिसको जो वर्क कर जाए उसके लिए वो तरीका बेस्ट है। नंबर टू, ब्रेस्ट फीड कराने की एज क्या होती है। तो 6 मंथ्स तक ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट है, 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा है, 1.5 साल से 2 साल तक अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होता क्या है कि 1 साल के आगे ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा देने को इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप जितना लेट करोगे, जितने बच्चे बड़े होते जाते हैं उतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती जाती है, और क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करते रहेंगे तो उनको कंफर्ट मिलता रहेगा जिसको छुड़वाना मुश्किल होता है। तो आइडियली 1 साल सही एज है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के लिए। मैंने भी अपने बेबी को 1 साल पर ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दिया था। तीसरी गाइडलाइन है कि ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना एक ऐसा प्रोसेस है जो फिज़िकल नहीं इमोशनल चेंजेस को भी इन्वॉल्व करता है, इमोशनली आपको और आपके बच्चे को भी अफेक्ट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये रखना है, बात याद रखना है कि आपको इस प्रोसेस के लिए तैयार होना है मेंटली, आपको बहुत स्ट्रांग होना है। ऐसे दिन ऐसी रातें होंगी जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, स्पेशली अगर जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगी आप वो फॉलो करोगे तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा रोएगा, आपको बहुत रोना आएगा, बिकॉज एक मदर अपने बच्चे को बिल्कुल रोते हुए देख नहीं सकती है। आपकी फैमिली से आपको काफी प्रेशर होगा, बिकॉज आपके आसपास के लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्या है कि आपको ब्रेस्टफीड बच्चे को नहीं कराना है, या क्यों नहीं करा देते हो, क्यों बच्चा इसको चुप नहीं करा देते हो। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले आपकी पूरी फैमिली को आपके साथ होना है, आपको उन्हें समझाना ज़रूरी है कि आप ये करने वाले हो और इससे आपके बच्चे की भलाई ही होगी, क्योंकि अब सही टाइम है कि वो बाकी सोर्सेज के थ्रू राइट न्यूट्रिशन ले। ब्रेस्ट मिल्क खाली लेने से या ब्रेस्ट मिल्क लेते रहने से उसको पूरा न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिलता है। एज अ फैमिली स्ट्रांग होना है, आपको स्ट्रांग होना है, तभी आप बच्चे को भी स्ट्रांगली इस चीज़ से छुड़वा पाओगे और उसे अच्छे बैलेंस्ड न्यूट्रिशन पर ला पाओगे। चौथा मेरा टिप है कि ब्लाइंडली 1 साल को गाइडलाइन मत मान लो। टाइमिंग जो होता है ब्रेस्टफीड छुड़वाने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके बच्चे की लाइफ में कोई मेजर डेवलपमेंट हो रही है, जैसे बच्चा चलना सीख रहा है या बच्चे को टीदिंग हो रही है मान लीजिए, या फिर आपकी लाइफ में कोई मेजर इवेंट हो रहा है, तब सही टाइम नहीं है इस प्रोसेस को करने का, क्योंकि उस टाइम पे एज इट इज़ बच्चे की बॉडी के अंदर इतने मेजर चेंजेस हो रहे होते हैं कि उसको कंफर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस टाइम पे आप ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बच्चे के साथ इनिशिएट करोगे तो कहीं ना कहीं बच्चा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा, ज़्यादा रोएगा, ज़्यादा परेशान होगा और आपके लिए इस प्रोसेस को करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे का कोई मेजर डेवलपमेंट हो रहा है या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो, तो प्लीज़ इस प्रोसेस को उस टाइम पर इनिशिएट ना करो। पांचवी गाइडलाइन ये है कि एडवांस में प्रिपेयर करो फॉर दिस चेंज। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि आप 1 साल पे बच्चे को ये छुड़वाने का सोच रहे हो, या 1.5 साल पे सोच रहे हो, 2 साल पे सोच रहे हो, जब भी सोच रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा अगर आपका मिल्क छोड़ेगा तो उसे दूध तो फिर भी पीना है, क्योंकि दूध कैल्शियम है, उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी है।
और दूध किसी तरीके से भी पीना है, बच्चा या तो बॉटल से दूध पिएगा या कप से दूध पिएगा, तो आपको ये प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कि जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क छोड़ेगा, ब्रेस्ट फीड करना छोड़ेगा, तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होगा। तो उसी के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना शुरू करना है कि क्या आप उसे सिपी कप देना चाहोगे या आप उसे बॉटल देना चाहोगे एंड आप कौन सा दूध देना चाहोगे। तो अच्छा होगा कि कुछ महीने पहले से आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो ताकि बेबी ऑल्टरनेट ऑप्शन से फेमिलियर हो जाए और उसके लिए छोड़ना आसान हो। और लास्ट मेरी गाइडलाइन ये है कि एज अ वुमन आपको तैयार रहना है ब्रेस्ट इश्यूज़ के लिए। होता क्या है कि जब आप सडनली ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा देते हो तो आपकी बॉडी में तो दूध बन रहा है क्योंकि बॉडी तो अभी तक डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली काम करती जा रही है। अब सडनली आपका बच्चा वो दूध नहीं पी रहा है तो आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें वो दूध भर सकता है, भरने की वजह से जो दूध है उससे गांठें पड़ सकती हैं, ब्रेस्ट में काफ़ी दर्द हो सकता है, दूध लीक कर सकता है, तो ये सारे आपको काफ़ी इश्यूज़ आएंगे। 7 से 10 दिन नॉर्मली लग जाते हैं दूध को सूखने में जब आप कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वा देते हो, इसीलिए ये जो कुछ टाइम है ये काफ़ी ज़रूरी है। इस टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अगर दूध भरा हुआ लग रहा है या ब्रेस्ट भर रही है तो आप उसी टाइम जाके हाथ से दूध को थोड़ा सा पंप कर दो, पूरा पंप करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर दो ताकि दूध जो है वो निकलता रहे, या फिर एक वार्म कंप्रेस करके अपनी ब्रेस्ट पे लगाओ। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया है उस पे, आप उस पे जाके ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट रिलेटेड सॉल्यूशन देख सकते हो जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बट मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के साथ साथ जो एक नई प्रॉब्लम एक मदर के लिए खड़ी होती है वो होती है ब्रेस्ट एंगेजमेंट, जिसके बारे में आपको जानना और उसके सॉल्यूशंस की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई गाइडलाइंस, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि इस प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको किन चीज़ों को समझना, किन चीज़ों की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एटलीस्ट इन बातों को लेकर प्रॉब्लम नहीं आए। अब बात करते हैं कि वो दो तरीके क्या हैं जिससे आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा सकते हो। पहला तरीका है जब बेबी इंडिकेशन दे रहा है कि वो ब्रेस्ट छोड़ने के लिए तैयार है। ये जो तरीका है ये मेरे केस में भी अप्लाई करता है, मेरे साथ एग्जैक्टली यही हुआ जिसकी वजह से ये प्रोसेस मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया। अब बात करते हैं कि बेबी कब इंडिकेशन देगा कि वो ब्रेस्ट छोड़ना चाहता है। देखो, जब बेबी ज़्यादा सॉलिड्स खाना स्टार्ट कर देता है, डिफरेंट वेराइटी खा रहा होता है फूड की, तो क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट सॉलिड्स में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेस्ट फीडिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में टाइम ज़्यादा लगता है, धीरे धीरे दूध आता है, तो बच्चे का इंटरेस्ट काफ़ी कम हो जाता है। नंबर वन, इस केस में बच्चे का इंटरेस्ट कम होना शुरू होता है। नंबर टू, बच्चे का इंटरेस्ट कम होता है जब वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, स्पेशली 1 साल की एज के बाद जब बच्चे ज़्यादा भागना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उनको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है ब्रेस्ट फीडिंग वाले प्रोसेस में आके, वो जनरली ब्रेस्ट फीडिंग रात के टाइम पर ही करते हैं। तो ये भी एक टाइम होता है जब बच्चा इंडिकेशन दे रहा है कि नहीं, मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग में अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरा सिनेरियो होता है जब बच्चे का ऑलरेडी एक कंफर्ट बन चुका होता है बॉटल या सिपी कप से। तो जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने अराउंड 2 मंथ्स का जब कबीर था उस टाइम पे उसको एक फीड, रात की फीड जो है वो बॉटल फीड इंट्रोड्यूस कर दी थी, तो मैं उसको अपना ही मिल्क पंप करके अपना ब्रेस्ट मिल्क बॉटल के थ्रू देती थी, जिससे क्या होता है कि रात को एज अ मदर आपको भी थोड़ा कम्फर्ट मिल जाता है, आप थोड़ी देर सो सकते हो ताकि आपकी बॉडी और अच्छे से काम कर सके और आपका पार्टनर जो है वो पिच इन करके बच्चे को बॉटल से दूध पिला सकता है। तो दोनों ही विन विन सिचुएशन है, बच्चे को थोड़ा बॉटल की भी आदत पड़ जाती है और किसी और के थ्रू दूध लेने की भी आदत पड़ जाती है। तो जब बच्चे को ये कंफर्ट मिल रहा होता है और उसे दिखता है कि बॉटल से तो फटाफट दूध भी आ रहा है, तो भी वो साइंस देता है कि वो ब्रेस्ट फीड छोड़ने को तैयार है। इन 3 केसेस में बच्चा आपको इंडिकेशन देगा, आपको उस इंडिकेशन को पकड़ना है और उसको लेवरेज करना है ताकि आप उसे ब्रेस्ट फीड कम्प्लीटली छुड़वा सको। मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता था, ये तीनों सिनेरियो कबीर पे अप्लाई करते थे। जब कबीर 1 साल का था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था, इधर उधर वो बिल्कुल क्रॉल करता था, चलना तो उसने 13 मंथ्स पे शुरू किया था, बट वो काफ़ी इंटरेस्टेड था, प्रॉपर वो एक सॉलिड प्लान पे था, 3 मील्स लेता था, 2 स्नैक्स लेता था और हम हर तरह की वैरायटी उसे देते थे, नॉन वेज, वेज, एवरीथिंग हम उसे देते थे, एंड प्लस उसको मैंने बॉटल की आदत शुरू से ही डाली हुई थी, तो दैट वेज बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। तो क्या होता था कि जब वो ब्रेस्ट फीड करने आता था तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने उसके साथ खेलना शुरू करा कि जब भी वो जैसे ब्रेस्ट फीड कर रहा होता था तो मैं कोई ना कोई फ़नी फेसेस बना के या कुछ उससे ऐसे बातें करके उसको हटाने की कोशिश करती थी कि भाई नो 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 नो, ऐसे कुछ करके, मतलब कुछ भी फ़नी करके जिससे उसका ध्यान हंसी में चला जाए और वो इवेंचुअली मस्ती करने लग जाए मेरे साथ और वो ब्रेस्ट को छोड़ दे। तो धीरे 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 ऐसे उसको डिस्ट्रैक्ट करके ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर उसकी एक आदत बन गई जिसमें उसको लगा कि मम्मा के साथ तो ये खेलने का टाइम है,
और ये मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं करना है। रात की फीड एज इट इज़ हम उसे बॉटल दे ही रहे थे, तो रात को उसे बॉटल की आदत थी, तो उसका कम्प्लीटली जो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस था वो ख़त्म हो गया। तो ये पहला तरीका है, आसान तरीका है, आपको सही टाइम पे बच्चे का इंडिकेशन पकड़ना है और उसको लेवरेज करना है। दूसरा जो तरीका है वो है, मदर जब डिसाइड करती है कि अब ब्रेस्ट फीड छुड़वाना ही है, बच्चा अभी कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, बच्चा ब्रेस्ट फीड करना चाहता है, बट मदर चाहती है कि अब टाइम सही आ गया है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड छुड़वा दिया जाए। अब इस तरीके के अंदर दो तरीके आते हैं। पहला है एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप्रोच, जिसमें आप धीरे धीरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड छुड़वाते हो, और दूसरा है एक कोल्ड टर्की मेथड, इसे बोला जाता है, या फोर्स्ड वीनिंग मेथड बोला जाता है, जिसमें आप एकदम से बच्चे को ब्रेस्ट फीड से अलग कर देते हो। तो पहले प्रोसेस की बात करते हैं, जो स्लो प्रोसेस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जितना धीरे करोगे, जितना ज़्यादा प्यार से करोगे, जितना ज़्यादा बच्चे को इमोशनली स्टेबल करके करोगे, उतना ही बच्चे के लिए भी इजी होगा और आपके लिए भी इजी होगा इस प्रोसेस को करना। अब स्लो प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप क्या है कि आप एक फीड एट अ टाइम को स्किप करना स्टार्ट करो। मान लीजिए आप बच्चे को दिन में भी ब्रेस्ट फीड कराते हो, रात को भी कराते हो, तो दिन के टाइम में क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट कम होता है ब्रेस्ट फीड में, वो फटाफट करना चाहते हैं, थोड़ा सा पीते हैं, चले जाते हैं। तो जो भी उनकी सबसे कम फेवरेट फीड है ऑफ द डे, चाहे वो शाम की हो, चाहे वो दोपहर की हो, चाहे वो दिन की हो, वो फीड आप स्किप करने की कोशिश करो। और आप वो कैसे करोगे कि उस टाइम पे आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करो, आप बच्चे को बाहर ले जाओ, या कोई फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करो जो उस टाइम पे बच्चे के साथ खेले, या फिर उसे कुछ इंटरेस्टिंग सा स्नैक या कोई फूड ऑफर कर दो जिससे वो खाए और उसका एकदम से पेट भर जाए, और उसके साथ बस मस्ती करो जिससे वो फीड लेना ही बच्चे के दिमाग से निकल जाए, और एज एन ऑल्टरनेट आप कुछ ना कुछ और इंटरेस्टिंग स्नैक दे के उसका पेट भर दो। नंबर टू, फीड टाइम को कम करना शुरू कर दो। मान लीजिए आपका बच्चा 15 मिनट की फीड लेता है, आप खुद ऐसा करो कि 7-8-10 मिनट की फीड जो है उतनी ही हो, बाकी का टाइम जो है उसका कट हो जाए। ये आप कैसे करोगे, बच्चे से बातें करो जैसे हम मदर्स करते हैं, या ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग टाइम होता है जब हम बच्चे के साथ एंगेज करते हैं, उससे कुछ ऐसे बातें करो, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करो, कोई चीज़ उठा लो जिससे उसका एकदम से ध्यान हट जाए और वो ब्रेस्ट को छोड़ दे। जो उसकी बची हुई भूख है वो आप फॉलोअप कर दो कोई फूड या कोई फ्रूट या कोई स्नैक किसी भी चीज़ के साथ, बट धीरे धीरे इसको कम कर दो जिससे बच्चे को आदत होगी कि अब वो फीड जो है वो छोटी होती जा रही है। तीसरा स्टेप है एनिमेटेड सिपी कप्स, फैंसी कप्स, या फिर यू नो जो बॉटल होती है जिससे पीना भी आसान होता है, वो बच्चे को सही टाइम पे इंट्रोड्यूस करो। काफ़ी पेरेंट्स जब 6 मंथ्स में सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो साथ साथ इंटरेस्टिंग सिपी कप्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। स्पेशली अराउंड 1 ईयर पे क्या होता है कि आप बच्चे को थोड़ा बहुत टीवी दिखाना शुरू करते हो तो बच्चे के कुछ फेवरेट कैरेक्टर्स बन जाते हैं, तो अच्छा है कि आप उन कैरेक्टर्स रिलेटेड कोई कप वगैरह बच्चे के लिए ले आओ जिससे बच्चा बहुत एक्साइटेड हो कि मुझे इसी में पीना है जो भी पीना है, और बच्चा इजीली उस पे अडैप्ट करके वहां से मिल्क लेना शुरू करेगा, उससे ज्यादा कंफर्ट मिलेगा, तो वो धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड को छोड़ देगा। और दूसरा, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस में बोला कि बॉटल फीड जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली इंट्रोड्यूस करो। मुझे पता है कि काफी लोग ये बोलते हैं कि मेरे डॉक्टर मना करते हैं बॉटल फीड करने से, बट ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है जिसपे मैं अपना व्यू शेयर करना चाहूंगी। बट मुझे लगता है अगर आप हाइजीन मेंटेन करो, रेगुलर टाइम पे बॉटल्स को चेंज करो, बीपीए फ्री अच्छी क्वालिटी अच्छे ब्रांड की बॉटल लो, तो सही तरीके से बॉटल फीड कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क बॉटल के थ्रू दे रहे हो तो एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू जहां तक न्यूट्रिशन की भी बात आती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डिस्ट्रैक्शंस के लिए प्लान करो। देखो, जब आप ये ब्रेस्ट फीड छुड़वाओगे दिन में, आपको आपके पास एक पूरा प्लान होना चाहिए कि बच्चे को आप हर जो फीड होती है उसमें कैसे डिस्ट्रैक्ट करोगे। धीरे धीरे आप एक फीड छोड़ोगे, फिर 2 फीड छोड़ोगे, फिर 3 फीड छोड़ोगे, आप दिन में तो कर लोगे, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी रात को। मुझे कितनी मदर्स लिखती हैं कि बच्चा रात वाली फीड छोड़ने को तैयार नहीं है। तो रात वाली फीड छुड़वाने के लिए जो आपको करना है इस स्लो प्रोसेस के अंदर, वो आपको करना है जैसे मैंने बोला कि टाइम पे बॉटल इंट्रोड्यूस करो। कोशिश करो कि रात की फीड में आप बिल्कुल लाइट वगैरह ऑन नहीं करो, बिजनेस फीड की तरह उसको करो। कोई शोर नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कोशिश हो कि आपका पार्टनर जो है वो फटाफट दूध ला के बच्चे को बॉटल के थ्रू पिला दे। कुछ केसेस में ये भी वर्क करता है कि आपको टाइम पता हो कि बच्चा नॉर्मली कितनी देर बाद फीड लेता है, जैसे 3 से 4 घंटे बाद। काफ़ी बच्चे थोड़ा सा नींद में उठना शुरू कर देते हैं जब उनको भूख लग रही होती है, तो आप पहले से, कुछ मेहनत होगी, कुछ दिन आपको ऐसा करना होगा, बट पहले से तैयारी करो कि उस टाइम पे आप उसे बॉटल दे दोगे। ये तो तरीका है जब बच्चे को दूध देना ही देना है। कुछ केसेस में आपके लिए क्या वर्क करेगा कि आपका पार्टनर बच्चे को उठाए और रॉक करना शुरू कर दे, या आप बच्चे को उठा के रॉक करना शुरू कर दो।
मुझे ऐसे लगता है कि रात के टाइम आपके पार्टनर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा मदर के पास आएगा, मदर उसे रॉक करेगी, तो बच्चे को ना मदर की स्मेल की आदत होती है, जिससे वो जब मदर की स्मेल मिलेगी तो वो ब्रेस्ट फीड ही करना चाहेगा। तो इंश्योर करो कि आपके पार्टनर जो है वो रात को डेफिनेटली पिचन करें। आप ये भी कर सकते हो कि आप बच्चे को पानी ऑफर कर सकते हो। तो जैसे मुझे याद है जब कबीर रात को, अभी हम जब उसका रात का भी एक फीड छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, मिल्क बॉटल फीड भी, तो हम क्या करते थे कि जब वो रोता था तो पहले सीधा दूध देने के बजाय हम उसे पानी ऑफर करते थे। तो कई बार होता है कि बच्चा इतना सॉलिड खा रहा है, जैसे हमें प्यास लगती है, बच्चे को प्यास लगती है, तो पानी से उसका जो है मतलब उसका उसको सेटिस्फैक्शन हो जाती है और बच्चा वापस सो जाता है। तो आप वो भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो ये 3-4 तरीके करने से होपफुली आपका बच्चा जो है वो रात को भी कंफर्टेबली, अब उसका पेट भी भर जाएगा और वो वापस सो जाएगा। तो ये तो हो गया सिंपल प्रोसेस, जहाँ पे आप स्लो जाओगे, ग्रेजुअल जाओगे, आप बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। बच्चा इरिटेट हो रहा होगा इस टाइम पे, क्योंकि उसको थोड़ा सा तो अंदर से लगेगा कि मेरा कंफर्ट कहाँ जा रहा है। तो मेक श्योर आप बच्चे को बहुत सारा प्यार दो और उसकी उस इरिटेशन को दूर भगा दो। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, जिसको बोला जाता है फोर्स्ड वीनिंग। फोर्स्ड वीनिंग क्या होता है कि आपने एकदम से ब्रेस्ट फीड को बंद कर दिया। आपको अपने दिल पे पत्थर रख के स्ट्रॉन्ग होके ये प्रोसेस करना होगा। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है और आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड नहीं छोड़ रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि देर इज़ नो लुकिंग बैक। आप ये नहीं कर सकते कि आप ये तरीका 2 दिन ट्राई करोगे और बच्चे को बहुत ज़्यादा रो रहा है तो आप तीसरे दिन उसे देना शुरू कर दोगे, बिकॉज इट्स रॉन्ग। आप एक बार बच्चे को इस प्रोसेस के थ्रू मेंटली लेके जा रहे हो, खुद को लेके जा रहे हो, और फिर आप वापस आ रहे हो, आप ये करना आपके और आपके बेबी के लिए ठीक नहीं है। डिटरमाइंड होके फीडिंग जो है वो बंद कर दो। और उस फीडिंग बंद करने में क्या होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, तो आपको उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। जो सारी चीज़ें मैंने बताई उसके थ्रू आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। और लास्टली बच्चे को रोएगा रोएगा रोएगा, रो रो के बच्चा जो है वो चुप हो जाएगा फाइनली, और या तो वो दूध बॉटल से पी लेगा, या वो पानी पी लेगा, या वो आपके पार्टनर से पी लेगा, जो केयर गिवर है उससे पी लेगा, एंड फाइनली जो है बच्चा इस चीज़ से एडजस्ट कर जाएगा। तो ये तो है एक तरीका जिसमें हम बच्चे को रोने देंगे। दूसरा तरीका ये है जो काफ़ी मॉम्स के लिए वर्क करता है, वो है कि आप अपने निप्पल पे कुछ कड़वा लगाओ। जैसे आप लहसुन जो है उसका हल्का हल्का लिक्विड लगा सकते हो, आप एलोवेरा जूस लगा सकते हो, आप करेले का जूस लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें 1 साल से ऊपर के बच्चे वैसे भी टेस्ट वाइज भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ा बहुत मुँह में चला भी जाएगा, तो देर इज़ नो हार्म, क्योंकि 1 साल से ऊपर का बच्चा सब कुछ ले सकता है। बट ऐसे केसेस काफ़ी लेडीज़ के लिए वर्क करते हैं, जहाँ पे बच्चा आता है, उसको कड़वा लगता है, वो एक बार ट्राई करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4th बार उसे लगता है कि ये तो ठीक ही नहीं है, और मम्मास जो हैं वो एक स्टोरी बना देती हैं इसके इसके रिलेटेड कि भाई ये इस वजह से हो रहा है, मॉम को जो है थोड़ी सी अय्या हो गई थी, एक मंकी आया था, मंकी ने आके मम्मा को वहाँ पे ये लगा दिया था। यू नो, यू कैन मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट, एंड बच्चा इवेंचुअली वो समझेगा, वो स्टोरी में खो जाएगा और आपका ब्रेस्ट छोड़ देगा। तो दैट्स अनदर थिंग जो आप ट्राई कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज़ इट। ये थे मेरे सॉल्यूशंस आप लोगों की मदद करने के लिए। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, क्योंकि मेरे लिए ये प्रोसेस सिंपल था, बट मुझे डेफिनेटली लगा कि जिनके लिए सिंपल नहीं होता उनके लिए क्या चीज़ें वर्क करती हैं। काफ़ी सारी मदर्स का एक्सपीरियंस मैंने पता किया, मैंने रीड किया, और ये वीडियो मैं उसके बेस पे आपके लिए लेके आई हूँ। मेरी अपनी मॉमकॉम कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी और तरीका है तो डेफिनेटली कमेंट करो, ताकि सारी मदर्स को और एक्सपीरियंस मिल सके, एंड मे बी दे वॉन्ट टू ट्राई दोज ट्रिक्स। बट मैं फिर से यही बोलूँगी कि ये प्रोसेस बहुत हार्ड है, बट ये प्रोसेस रिक्वायर्ड है। एक सर्टन एज पे जाके ये करना ज़रूरी है, इसीलिए अपनी फैमिली को समझाओ, उन वो आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे इस टाइम पे, बिकॉज एज अ मदर आप अपने बेबी को रोते हुए नहीं देख सकते हो, परेशान नहीं देख सकते हो, तो आप वीक होगे, आपको लगेगा आप ये क्यों कर रहे हो, आपको ये भी बोला जाएगा कि आपके अंदर दिल नहीं है, आप कैसे मदर हो। बट आप एक अच्छी मदर हो जिसको पता है कि अपने बच्चे के लिए क्या ठीक है, इसीलिए आप ये कर रहे हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आपको लगे कि टाइमिंग इज़ राइट, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वॉट एवर, इट्स टोटली योर चॉइस, उस टाइम पे आप ये प्रोसेस करो और बिल्कुल ठीक से करो। तो गाइज, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर हिट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करोगे तो रेड बटन हिट करना है, साथ में बेल आइकन को हिट करना है, एंड प्लीज़ गाइज कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है आप लोगों के लिए, मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे लिए प्रोसेस बहुत सिंपल था, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको सिर्फ सिंपल पार्ट बता दूं। मैं जानती हूँ कितनी मदर्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैं प्रॉपर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लाना चाहती थी। तो इसीलिए शेयर करो, लाइक करो, और डेफिनेटली मॉमकॉम इंडिया देखते रहो जैसे आप देखते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया।